बिहार में गर्मी से अभी तक 59 लोगों की मौत की खबर है और अब इसे लेकर राजनीतिक पारा भी चढ़ गया है। गर्मी से काल के गाल में समा चुके लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार के उस फैसले को अमानवीय बताया है जिसमें स्कूलों में छुट्टी के बावजूद शिक्षकों को हर रोज समय पर दोपहर तक स्कूलों में तैनात रहने का निर्देश दिया गया है। तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट कर कहा है कि बिहार में एनडीए सरकार की हठधर्मिता के कारण भीषण गर्मी में विद्यालय खोलने से छात्र छात्राओं और शिक्षकों की मौत की खबर है। विपक्ष के दबाव में एक दिन पहले स्कूल बंद किए लेकिन फिर भी इस जानलेवा गर्मी में शिक्षकों को स्कूल आने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। जब छात्र ही स्कूल में नहीं रहेंगे तो शिक्षक क्या करेंगे। इस भीषण गर्मी में शिक्षकों को अवश्य ही छुट्टी देनी चाहिए। बिहार की एनडीए सरकार शिक्षकों के प्रति ऐसे अमानवीय निर्णय क्यों ले रही है। मुख्यमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल वातानुकूलित कमरों में आराम फरमाकर शिक्षकों की जान लेने पर आमादा क्यों है। इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने बिहार के शिक्षा विभाग की गतिविधियों को लेकर नीतीश सरकार की आलोचना की थी। पिछले दिनों तेजस्वी ने के पाठक का नाम लिए बगैर कहा था, शिक्षा विभाग के अधिकारी सीएम की बात नहीं मानते, वो काफी हठधर्मी हो चुके हैं। राज्य में तापमान 45 डिग्री पार करने के बाद भी अफसर बच्चों को गर्मी में भी राहत देने को तैयार नहीं है। स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि बच्चे वहां सुरक्षित रहें। गौरतलब है कि बिहार समेत तमाम राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में भी पारा 52 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। ऐसे में गर्मी का मुद्दा उठाकर तेजस्वी यादव सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और सियासी तापमान में भी इजाफा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।